नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे वाक्य और वाक्य के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के उदाहरण देखिए, सुनील पढ़ाई करता है, श्याम ने चित्र बनाया था, दिशा ने रोटी बनाई, नेहा ने पत्र लिखा, राम नई साइकिल खरीदेगा। इन सार्थक शब्दों का पूरा पूरा अर्थ निकलता है, इसीलिए इन्हें वाक्य कहते हैं। इससे पहले हमने रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखे हैं। उसमें केवल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और उसके उपभेद देखे हैं। अब हम अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद देखेंगे। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है। उसमें विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य का पहला भेद है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। विधानार्थक वाक्य में कभी भी न, नहीं, मत ऐसे शब्द नहीं आते। जैसे राजेश ने पढ़ाई की, श्यामल कल पुरस्कार प्राप्त करेगी, मछलियां पानी में रहती है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। इन वाक्यों में क्रिया होने की सामान्य सूचना हमें मिल रही है, इसलिए यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है। निषेधार्थक वाक्यों में न, नहीं, मत, मना शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सुदेश आज स्कूल न आया, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, बुरा मत सुनो, यहाँ धूम्रपान करना मना है, संजय ने चोरी नहीं की। इन वाक्यों में कार्य न करने या न होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसीलिए यह वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। परिभाषा देखो, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया गया हो या किसी से कोई बात पूछी गई हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नार्थक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह होता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक कौन है, राहुल का घर कहाँ है, तुम गांव कब जाओगे, आप सुबह कितने बजे आए थे। इन वाक्यों में प्रश्न किया गया है और अंत में प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए यह वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का चौथा भेद है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आदेश या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना की जाती है, जैसे अब तुम जा सकते हो, कृपया बैठ जाए, संगीता पढ़ाई करो,
आप अपनी बात कहो, जल्दी चलो वरना समारोह समाप्त होगा। इन वाक्यों में किसी को आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना की गई है, इसीलिए यह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का पांचवा भेद है विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। विस्मयार्थक वाक्यों में किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन होता है, जैसे वाह क्या सुंदर बगीचा है। इस वाक्य में हर्ष का भाव प्रकट होता है। अरे तुम कब आ गए, इस वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। हाय अब मेरा क्या होगा, इस वाक्य में शोक का भाव प्रकट होता है। छी तुम कितने गंदे हो, इस वाक्य में घृणा का भाव प्रकट होता है। शाबाश तुमने अच्छा काम किया, इस वाक्य में प्रशंसा का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रशंसा के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए यह वाक्य विस्मयार्थक वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का छठवां भेद है संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का संदेह या संभावना प्रकट हो, उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। संभावनार्थक वाक्य में किसी काम का पूरा होने में संदेह व्यक्त होता है, जैसे शायद कल छुट्टी हो, पता नहीं विशाल घर पहुंचा होगा या नहीं, शायद श्रेया मान जाए, पिताजी गांव पहुंच गए होंगे, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इन वाक्यों में किसी काम का पूरा होने में संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए यह वाक्य संभावनार्थक वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का सातवां भेद है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा, कामना, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य में इच्छा, आशा, आकांक्षा, आशीर्वाद या शाप का भाव व्यक्त होता है, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर सबका भला करे, तुम दीर्घायु हो, आज वर्षा हो तो अच्छा हो, मुझे ढेर सारा पैसा मिले। इन वाक्यों में इच्छा, आशा, आकांक्षा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह वाक्य इच्छार्थक वाक्य है। अर्थ के अनुसार वाक्य का आठवां भेद है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य में संकेत या शर्त होती है, जैसे यदि सुरेश महाबलेश्वर आएगा तो हम भी आएंगे, मैं पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर विक्रम कप्तान बनेगा तो हम सब खेलेंगे, रामू जल्दी से निकलता तो दुर्घटना ना होती। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हमें हो रहा है, इसलिए यह वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। धन्यवाद।